जरूरत है। क्योंकि मतलब खाओ ये डोंट कीप निशा यू डोंट पुट मुझे बिकॉज दैट्स व्हाई डोंट से क्योंकि कम अगेन योर हिंदी उनकी जरूरत थी। एम आई राइट? मैंने जरूरत के लिए फ्रेंड खोजी है ना हाँ, या मैंने आवश्यकता जरूरत के लिए लिए। फ्रेंड को जी। रूपल दीदी, आपकी हालत बहुत बुरी हो रही है। अब नेक्स्ट टाइम ना आप बार वो बहुत सोच समझ के रखना। ओके रूपल जी हाउ मेनी हाउ मेनी इज दैट? हाउ यार मेनी, म्यूट रूपल जी। हाउ मेनी सिक योर फ्रेंड? हाउ मेनी क्या हाउ मेनी फ्रेंड्स यू सिक? कम अगेन सॉरी रुपल जी। रुपल जी, वाइस यूर टॉपिंग कम इज अगेन नॉट रुपल जी। ऑडिबल टू मी। हाउ मेनी नो सी इज क्लियरली ऑडिबल। WH के बाद आप सेम सेंटेंस रख दीजिए। हाउ मेनी यू सिक फ्रेंड? सॉरी, सेम हाउ सेंटेंस। मेनी फ्रेंड रुपल जी हाउ तो मेनी बाकी पूरा आप रख दो फ्रेंड, वैसे ही। हाउ मेनी फ्रेंड्स सिक? हाउ यू आर मेनी? यूजिंग डिड ना, यू आर यूजिंग डिड ना। ओके ओके, हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू सिक? सॉरी रुपल दीदी, हाउ डिड सॉरी सी इज निशा सी इज राइट। ओके, आई एम सॉरी, सो सो सॉरी रूपल दी। प्लीज आंसर। हाँ गुड गुड मॉर्निंग सर। इट इज नॉट ऑडिबल टू मी। निधि यू आंसर दिस। वी आर ऑडिबल बट नॉट हाउ मेनी? ऑडिबल। निधि यू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके ओके आई सॉट 4 and 5 5 फ्रेंड्स। आपने कितनी फ्रेंड्स खोजी? मैंने 5 मित्र खोजे या सहेलियां खोजी। दोस्तों, ओपन योर बी प्रेजेंट द पेज ऑफ बी प्रेजेंट। नेहा, व्हाट वाज द लास्ट सेंटेंस ऑफ बी प्रेजेंट? इट इज राइट, लास्ट सेंटेंस सॉरी वाज, सॉरी निया इट इज सॉरी, आंसर। लास्ट सेंटेंस वाज इट इज राइट। पिछला वाक्य कौन सा था? सर, पिछला वाक्य क्या यह सही है? यह था आस्क निधि। नहीं थी। What was the last second sentence? द सेकेंड लास्ट सेंटेंस वॉज उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। दैट इज हर ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। रूपल जी ये व्हाट दूसरा वॉज वाला कौन जी ने सा था। लिखे नहीं है शायद सारे सेंटेंस क्रम से, और शायद वो व्हाट्सएप नहीं चला पाती हैं।
हमने बहुत से लोगों को देखा है अन्य बैच में, वो व्हाट्सएप में एक दूसरे से सेंटेंस का आदान प्रदान करते हैं। कुछ लोग अपना पूरा पेज की फोटो लेके भेज देते हैं, तो शायद रूपल जी के पास व्हाट्सएप नहीं होगा, इसलिए उन्होंने किसी से मांगा नहीं, तो उनके पास नहीं है, कुछ भी क्रम से नहीं है। अब अगला सेंटेंस लिखिए, आपकी बारी है। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is in a inverted sentence. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and subject is it. And subject is you. Thereafter, I will take the main verb, and main verb is are. And lastly, I will take the goes. यू का मतलब क्या होता है रूपा जी? यू का अर्थ क्या होता है रूपा जी? आप और आर का क्या अर्थ होता है? सर, इट इज ए हेल्पिंग वर्ब, तो निधि, आर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आप क्या है? अब ये हमने अच्छे से अनुवाद कर लिया, अब इसको सही क्रम में जमा अच्छे से अनुवाद से निकालने के लिए हमें कभी कभी तरीकों का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। इसका उद्देश्य किसी की इंसल्ट करना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और उसके बाद अपन किसी और को ये सेंटेंस देते हैं, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस। हाँ वॉइस इज शॉपिंग, योर वॉइस इज रूपल जी, शॉपिंग। प्लीज ट्राई. ओके, यू आर सेइंग टू डू, दैट इज नाइस। Am I audible, guys? Yes, sir, you are clearly audible. Clearly audible.
एंड विजिबल ऑल्सो. एक्चुअली देर वॉज अ लिटिल प्रॉब्लम इन द नेट, सुपर जी, विल यू ट्राई? ओके सर, नाउ आई एम रेडी. आई हैव टू मेक दिस ठीक सेंटेंस. दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू बी प्रेजेंट. इट इज एन अफॉर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्टली आई विल टेक द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज इट. है, पता है निधि, जैसे देयर इज नेहा नो. एक भूला था, हमने तुरंत ताली बजाई थी, फिर वो अनुवाद पे आ गई। अब देखिए दोस्तों, इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, रुपल जी आप हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी खिड़की बंद है। आपकी शब्द भी सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता भी काम कर रहा है, बारी भी सब्जेक्ट नहीं है, भी सब्जेक्ट नहीं, कर्ता नहीं। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज दो शब्द रखते हैं बच्चे, एक तो आप सामने देख रहे हैं जो निधि ने रखा, और दूसरा किसी को पता हो तो श्रद्धा, नहीं। देयर सर, देयर वॉज अ किंग. यू यस, फॉरगॉट मी? हाँ, हाँ तो इन दो में से कोई एक शब्द रखते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये केवल कर्ता का खाली स्थान भरने के लिए आते हैं, इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं, लेकिन ये वाक्य को पूरा कर देते हैं, क्योंकि हर वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। गो अहेड निधि। डे आफ्टर आई विल टेक द मेन वर्ब. द मेन वर्ब इज अब लेटर ऑन आई विल टेक. इट, एक मिनट निधि, तुम इट के साथ इस क्यों ले रही हो मेरी? सर बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, दैट्स क्योंकि कर्ता एकवचन। व्हाई. एक यस, वचन है. यहाँ हाँ आई आता तो क्या रखते अपन? सर, वी विल टेक एम. सर तो फिर हम वहां यहाँ एम, और यहाँ कोई बहुवचन होता तो फिर हम, आर और ये इसका अगर हम हिंदी करें निधि तो ये क्या होगा? है. ये किसी चीज का होना बता रहा है, इसलिए ये बीच है। और इस काय हाँ का होना रूप निधि, सर इज इधर ये प्रेजेंट के रूप में आया है. कोई क्रिया हो रही है. नेहा इस काय का रूप है बेटा। प्रेजेंट रूपल जी, इस काय का रूप है यहाँ? सर मेन पर्व है. निधि, इस काय का रूप है यहाँ पर? मेन वर्ब के रूप में है ना. चलिए अब मैं बताता हूँ, इस यहाँ बी का रूप है, बी क्रिया का रूप है इस, या और बी जब का. हाँ प्रेजेंट में आता है तो इस एम या आर का रूप धारण करके आता है, पास में आता है तो वॉस या वर का रूप धारण करके आता है, तो पांच रूप बदलता है अपने, इस एम आर वॉस वर। तो बी यानी होना होता है, यहाँ पे ये होना दिखा रहा है कि क्या है, वाली किसकी है, आप। गो अहेड निधि। डे आफ्टर आई विल टेक सर योर अभी अपन उसकी नाउन चर्चा और नहीं करेंगे, एडजेक्टिव. वैसे ही बोलेंगे जैसा अभी सब इस क्लास में बोलते हैं।
हाँ दैट आई विल टेक द, नहीं लास्टली आई विल टेक द नाउन एंड एडजेक्टिव, द नाउन एंड एडजेक्टिव इज योर गो। एंड नहीं बोलो निधि, एंड मतलब तो फिर दोनों ले लेंगे। नाउन आर एडजेक्टिव हाँ एंड और द ये भी नाउन याद, आर एडजेक्टिव, हाँ एंड द नाउन आर एडजेक्टिव इज योर गो। यहाँ गो नाउन के रूप में काम कर रहा है। ये सेंटेंस हमें अचानक इसलिए देना पड़ा कि निधि ने बहुत दिनों तक इसमें ईएस लगा के इतना प्रचलित कर दिया कि अभी हम देख रहे थे रूपल जी गोल्स बोल रही थी, नेहा भी गोल्स बोल रही। हमने बोला चलो इसको इतने दिन से, जबकि जिस दिन निधि ने शुरू किया था ना गोल्स गोल्स गोल्स, हमने ब्रैकेट में बहुत बड़े बड़े लेटर में पहले छोटा लेटर लिखा गो, फिर यहाँ उसको और बड़ा किया, फिर और बड़ा किया। समय हो सकता नेटवर्क प्रॉब्लम हो, निधि देख शिवांग सेड सॉरी, तो आज मैंने सोचा इसको लिखवा देते। जी सर मैं गोल्स ही बोल रही थी जब से कि नेहा इट्स योर गोल्स। सर मैं आपकी बारी लिखा था तो उससे मैं कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैंने यूज रख दिया था। बेटा तुम कंफ्यूज नहीं हुई, हम सबके साथ एक बहुत थोड़ी आध्यात्मिक बात कर रहे हैं दोस्त। महिलाओं में एक पूजा पाठ की प्रवृत्ति होती है, हमने देखा है, लेकिन वो जरा सी आवाज होती तो चौंक जाती है, उनको लगता कहीं बुरा तो नहीं होता। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि आप खूब पूजा पाठ करती हैं, लेकिन संभवतः आप उस पर ऊपर वाले पर पूर्ण विश्वास नहीं रखते। अगर पूर्ण विश्वास रखते होंगे तो आप शंकित नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो है तो वो सबका ध्यान रखता है। और ऐसे ही नेहा के साथ हुआ। यहाँ एक ऊपर वाला है जिसको हम बता चुके हैं, कौन है ऊपर वाला? याद है ना हमने इसको नाम दिया ऊपर वाला। तो नेहा ने क्या किया, इसकी बात नहीं मानी। पहले वो इसकी बात मान रही थी, फिर उसने अपनी होशियारी दिखाई और उसका परिणाम हुआ कि वाक्य अनुवाद बन गया और बिल्कुल गलत हो गया। तो अगर उस पर विश्वास है तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक छोटी सी लाइन मैंने किसी अच्छी किताब में पढ़ी थी, विश्वास प्रतिशत में नहीं होता है, या तो वो पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं इतने प्रतिशत विश्वास करती हूँ, मैं इतने परसेंट विश्वास करती हूँ, तो वो आप देख लीजिए कभी भी शंकर जी को आके देखिए यहाँ किस में, वो आंख बंद करके ऐसे हल्के से मुस्कुरा रहे हैं। क्यों पता है? वो देखते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ बच्चा होशियारी दिखा रहा है ज्यादा, इसलिए वो हल्का सा मुस्कुराते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है अच्छा बेटा तुम तो होशियारी दिखा रहे, दिखा। जब तुम पूर्णतः मेरी शरण में आओगे तब मैं तुम्हारा काम करूंगा, इसलिए वो मुस्कुराते रहते। जब वो प्रसाद चढ़ाता है तो प्रसाद में वो वाली मिठाई चढ़ाता है जो उसको अच्छी लगती है। और भगवान इसलिए मुस्कुराते हैं कि देखो आके प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ऐसा कर देना तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1.25 किलो। फिर वो मुस्कुराते हैं कि सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है, तो है तू मुझे रिश्वत दे रहा है कि मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा, मैं 16 सम्मान रखूंगी उपवास, तो जब मेरा दिया ही हुआ है सब तो तुम मुझे लालच क्यों दे रहे हो? मैं तो यहाँ पे विष का पान करके बैठा हूं, तो मुझे ये सब लालच दे रहे, इसलिए वो मुस्कुराते रहे।
तो हम पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं, वही नेहा के साथ हुआ। उसने स्टार्टिंग बिल्कुल सही ली थी, इट किया था, मैंने ताली भी बजाई थी, इट रखा था उसने। हम आश्चर्यचकित हो गए, बहुत खुश हुए कि नेहा ऊपर वाले की बात मान रही है। लेकिन आखिरी बाद में उसने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी, तो भगवान आराम से मुस्कुराते। रूपल जी, इसको इन्वर्टेड बनाने के लिए क्या करेंगे? आई डोंट वेरी गुड, कोई बात नहीं, अनजान होना लज्जा की बात नहीं है, सीखने के लिए तैयार होना लज्जा की बात। नेहा, तुम बताओ बेटा। नो सर, इसको उठाकर इट की जगह रख देंगे। आप दीदी, तुम बताओ। तो सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के उसके पहले रख देंगे, बस इन्वर्टेड हो ऐसे जाएगा। कई बार दिखाते ना ये तीन। तो रूपल जी, आप इतना तो बता दीजिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वाला शब्द कौन सा? योर गुड, नेहा आप बता दीजिए। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट में रख देंगे। तुम नहीं सुनती, कोई बात नहीं। निधि, तुम बता दो बेटा। सर इज है सब्जेक्ट के बाद वाला शब्द। अब निधि, तुम नेहा से पूछ लो, प्रश्न बन गया। नेहा, इज इट योर गो? यस, इट इज माय गो। नेहा, क्या ये आपकी बारी है? हाँ दी, ये मेरी बारी है। सॉरी, अभी हमने क्या आपकी बारी है? एक हाँ दी, मेरी जैसे बारी ही है। मैं ताली बजाता हूँ, नेहा को शंका आ जाती है, साला चेहरे पे खुशी नहीं आती, वो शंकित हो जाती है। उसको खुद ही पे विश्वास नहीं होता कि अरे एक बार में सही हो गया, ऐसे भाव आते हैं उसके चेहरे। आज का गेम नेहा, रिपल जी, इज इट योर गो? यस, इट इज माय गो। रिपल जी, क्या आपकी बारी है? हाँ, मेरी बारी है। देखिए, इस क्या के लिए कोई एक्सप्रेस शब्द लगा क्या इंग्लिश में? ये कितनी अच्छी बात है, आपको इस चीज समझ लेना चाहिए। निधि, इज इट योर गो? यस रूपल जी, इट इज माय गो। क्या आपकी बारी है? हाँ रूपल जी, मेरी बारी है। गो के नीचे या साइड में ऐसा हैश लगा के, बटे का निशान लगा के। ये प्रचलित शब्द है, पुराना है, हम आपको नई से लेटेस्ट इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। नए नए शब्द, एक बार फिर से पूरा राउंड खेलना। नेहा, इससे इज इट योर चांस? यस, इट इज माय चांस। नेहा, क्या आपकी बारी है? दी, मेरी बारी है। रुपल जी, इज इट योर चांस? यस, इट इज माय चांस। रुपल जी, क्या आपकी बारी है? हाँ, मेरी बारी है। निधि, इट योर चांस? यस रुपल जी, इट इज माय चांस। क्या आपकी बारी है? हाँ, मेरी बारी है रुपल जी।
मैं पूछना भूल गया, रूपल जी लिख लिया कि नहीं? यस सर, आई हैव रिटन। और रूपल जी, आपके पास जो संसाधन है, संसाधन समझते हैं ना, आप चाहे तो आराम से वीडियोस देख सकते हैं, आपके पास नेट है, डेटा की कोई कमी नहीं है, पुराने वीडियो देख सकते, समय की भी कमी नहीं है, आपके घर हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हैं, आप पूरे फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं है, कोई भी, तो आप चाहें तो वीडियो पुराने देख लें और उसमें से सेंटेंस वगैरह चीजें क्रमानुसार लिख लें या किसी भी क्रम से कम अरेंज तो कर लें, इतना आप कर लें। अगर कोई काम करने निकले, अगर इस तरह से देखें तो आप समय तो बर्बाद कर ही गई है, ठीक है, पैसा आपके लिए मायने नहीं रखता है, वहां आपका मेल है, लेकिन समय भी तो आप बर्बाद कर ही रहे हैं, दो चीज एक साथ बर्बाद हो गई। तो कोई चीज करना ही है तो उसको थोड़ा अच्छे से ढंग से कर ले, जैसे कपड़ों में हम कपड़े पहनते हैं तो ढंग के पहनते हैं, तो इस काम को भी, क्योंकि ये एक बार होने वाला काम है, अभी हमें हम फिर से कहेंगे, रोशनी ने जिस दिन शुरुआत की थी इस बैच में, एक सेंटेंस भी नहीं बनता था, अपना नाम भी अच्छे से नहीं बोल पाती थी वो, और अभी भी गलती करती है, गलती करने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसने काफी इम्प्रूव किया है, अब आप सब देखते हैं, उसने बहुत बढ़िया किया है। कहाँ, गांव की लड़की है वो, और क्यों निधि, सास ससुर वाले घर में रहती है रोशनी? हर ससुर जी इज पास अवे, बट हर सास माँ इज, एक नई बट चीज ले रहे हैं सी हम सी इज हेल्पफुल अपने, फॉर हर हर ससुर जी, ससुर जी। हर ससुर जी इज नो मोर, हर ससुर जी कोई इज नो मोर। ससुर जी ना, बट बट हर सासू माँ इज अंडर द सन, हर सासू माँ इज अंडर द सन। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ससुर। अंडर द सन? अब हमें बताना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं, नेहा तुम कंफ्यूजिंग। समझ गई, रूपल कोई भी बोल, बिल्कुल साफ अंडर द साफ सन, है, ओके। क्योंकि जो हमने बोला वो है वास्तव में, चलो कोई नहीं बोल रहा है, हम हिंदी नहीं लिखवाएंगे, चलो हु हैज टू मेक दिस, ये अगला सेंटेंस है, इसको लिखिए, बी प्रेजेंट, क्या आप बीमार हैं? So I have to make this sentence. This sentence is related to which chapter? It is an inverted sentence. दो सवाल ने दी, कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड है? सर, क्योंकि इसके पहले शुरुआत में क्या है? That's why. क्या इस क्या के लिए वॉट आएगा निधि? सर, वॉट नहीं लगेगी। बिल्कुल, और अपनी अगर लगाया तो उसकी क्या लगेगी? वोट लग जाएगी सर, वोट लग हाँ, जाएगी। और तो इन्वर्टेड बनाने का नियम भी बता दो एक बार फिर से। सर, 3 उंगलियों पे होता है, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं तो वो इन्वर्टेड हो जाता है। अच्छा, पहले जब तुम लोग को ये सिखाया गया था कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रखते हैं, और उसके बाद हमने ये नया नियम बता दिया, तो शुरू में अजीब लगा होगा ना? वो सर, ये मतलब जब हम करते थे उसी टाइम से ये प्रोसेस चल रही, सब्जेक्ट के पहले ऐसे। नहीं, हम इन लोगों से पूछ रहे, तुमने तो पूरा कोर्स कर लिया, हाँ, नेहा से, रूपल से, चलो आगे नो बढ़ो। सर। फर्स्टली आई विल टेक द मेन वर्ब, एंड द मेन वर्ब इज आर।
Later on, I will take the subject, and the subject is you. And lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is sick. अब यहां मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ये लिखा है सामे छोटी की मात्रा रुपई, सामे छोटी की मात्रा सी और का छोटा का सी, और सामे बड़ी की मात्रा और का छोटा का, सामे बड़ी की मात्रा और का छोटा का सीक, और इसकी स्पेलिंग है सिक। सो रूपन जी आर यू सिक? यस नो सर, आई एम नॉट सिक। थैंक गॉड, कम से कम सही उत्तर तो दिया। क्या आप बीमार हैं? नो सर, मैं नहीं, बीमार नहीं हूँ। अच्छा, एक बार जरा इसको पढ़िए ना, सिक और इसको सिक बनता तो है। वैसे हम आपको एक सुझाव देना चाहेंगे, हम संडे को हिंदी की क्लास भी लेते हैं, लेकिन उसकी फीस डबल है, क्योंकि हिंदी सिखाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, मात्राएं होती हैं, राखी। तो आप चाहे तो मैडम से बात करके हमारे संडे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिटेल में बात कीजिएगा तो हिंदी पर हम थोड़ी चर्चा कर लिया करेंगे कि राखी रेख कहाँ से लगती है, उसका उच्चारण कहाँ से होता है। कई लोग गलत लगा लेते हैं, अधिकतर आशीर्वाद शब्द में ऐसे ही करते। अब आप यही सवाल आगे बढ़ा। निशा, आर यू सिक? सी लेफ्ट द क्लास रुकुल जी। नेहा, आर यू सिक? रुपल जी, आई एम नॉट सिक। नेहा, क्या आप बीमार हैं? नहीं रुपल जी, मैं बीमार नहीं हूं। ये दीदी, आर यू सिक? नो, आई एम वेल। ये क्या बीमार हूँ? नहीं, मैं अच्छी हूँ। सर, आर यू सिक? नो, आई एम क्वाइट वेल। सर, क्या बीमार है? नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आई एम कंप्लीटली हेल्दी। तो यहाँ आज विराम देते हैं। आज मैंने ज्यादा देर तक आपकी क्लास ली, क्योंकि मुझे इसमें बहुत आश्चर्य हो रहा था। मतलब बहुत दिनों बाद हुआ है, पहले की क्लास में छोटे बच्चों, मतलब कॉलेज वाले बच्चों के साथ तो ऐसा होता रहता था कि उच्चारण में उनको छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा समझानी होती और बहुत दिन से वो गोल गोज पता नहीं क्या क्या चल रहा था, तो उसको भी आज दूर कर। थैंक यू सर, फॉर आई जॉइनिंग। हैव टू से सॉरी टू यू बिकॉज आई ज्वाइन लेट सर टुडे बिकॉज माई चम हैज कैम एट 6:30। दैट्स वाई आई आई गॉट लेट। ओके एंड सर, सो आई 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 गिव